हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्क पर महाभारत 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट में अब बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मास्क की, जो एक नए विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया एक शादी समारोह में शामिल हुए, भीड़ के बीच रहे और मास्क भी नहीं लगाए। एक, दो, तीन, चार और इसी तरह करीब आधा दर्जन तस्वीरें हैं जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बिना मास्क के दिख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने इन तस्वीरों को ट्वीट करके कहा, सीएम साहब ये आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और ये तस्वीर है न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन इनका चालान नहीं कटेगा क्योंकि आप और आपके नेता खुद को कानून के ऊपर समझते हैं। चालान केवल जनता भरेगी और आप उस पैसे से विज्ञापन देंगे। 150 से ज्यादा की गैदरिंग, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, खुद उप मुख्यमंत्री ने भी नहीं लगा रखा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी ने शादी का कार्ड भी पेश किया जिसके मुताबिक 23 नवंबर को सगाई का समारोह था। समारोह का आयोजन प्रीत विहार के डीडीए समुदाय भवन में किया गया था। बीजेपी ने जो तस्वीरें पेश की है उसमें बड़ी संख्या में लोग दिख रहे थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बिना मास्क के एक सगाई कार्यक्रम में जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सीधा निशाना साध रही है। यहाँ पे वो बुकिंग के कागज हैं, जो पार्टी हुई थी यहाँ पे 23 तारीख को, ये उसके कागज हैं। इस वक्त हम उसी सामुदायिक भवन सुखविहार में मौजूद हैं जहाँ पे ये पार्टी हुई थी। हालांकि यहाँ जो गार्ड साहब हैं वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का आगमन नहीं हुआ था। भैया ये बताइए, आपका नाम क्या है? नगीना लाल। ये बताइए, उप मुख्यमंत्री जी कल आए थे यहाँ पे? मनीष जी यहाँ पर किसी समय नहीं आए थे। बातचीत से लग रहा है कि गार्ड पुख्ता जानकारी देने से बच रहा है, लिहाजा हमारी रिपोर्टर खोजते हुए पहुँच गई उस पते पर जो कि कार्ड पर दिया गया था। पहली बार तो यहाँ दरवाजा खोलने वाले ने सीधे से ये खारिज कर दिया कि ये वो घर नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद रिपोर्टर फिर यहाँ पहुँची तो एक महिला ने कबूला कि ये वही पता है जो कार्ड पर छपा है। परिवार का एक सदस्य बोल रहा है कि ये वो घर नहीं है, परिवार का दूसरा सदस्य बोल रहा है कि वही घर है, और वहीं पे जो आसपास मोहल्ले के लोग हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि यही वो घर है जहां पे कल सगाई हुई थी। लेकिन बातचीत में वो साफ साफ कुछ कहने से बचती रही। हमारी रिपोर्टर ने कार्ड पर लिखे गए फोन नंबर पर भी संपर्क किया लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। कार्ड पे आप देखिए जो एड्रेस लिखा हुआ है, कार्ड पे इसी घर का एड्रेस है, फिर भी परिवार कह रहा है कि ये वो घर नहीं है। अब सवाल इसमें यही उठता है कि आखिर परिवार क्यों झूठ बोल रहा है, किसके कहने पे झूठ बोल रहा है।